अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ा था, सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने लगे हैं। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आम तौर पर उसको छुड़वा दिया जाता है, कहा जाता है कि भाई छोड़े, इसमें पेपर नहीं आता। हालांकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें इनका ज़रूर पता होना चाहिए, जिस ख़ास तौर पर उस शख्स को जिसने आगे मैथमेटिक्स के फील्ड में जाना है, उसके लिए लाजमी है कि इन चीज़ को सीखे। ये हैं क्या? बड़ी इजी हैं, बहुत आसान हैं, और जब आप कुछ सीख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हम ऑपरेशंस करते हैं इनके पीछे कौन सा रूल है, किस उसूल के तहत हम इनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। बाइनरी का मतलब दो होता है वैसे तो। बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक सेट हमारे पास, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, उनमें ऑपरेशन लगाएं, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया हमें नंबर मिले वो भी अगर उसी सेट में मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है। मिसाल के तौर जीरो से लेकर फाइव तक एक हम सेट ले लेते हैं, तो हम जमा करते हैं जीरो प्लस वन, वन आता है वो इस सेट में मौजूद है, वन और टू इन दोनों का ऐड करते हैं तो वो उसमें मौजूद है, टू थ्री फाइव आता है उस सेट में मौजूद है, लेकिन जब आप थ्री और फोर को ऐड करेंगे तो आएगा सेवन, सेवन उस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये जो एडिशन का हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इस सेट के ऊपर जीरो से लेकर फाइव तक, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट में क्या होगा कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट लें, कोई भी दो एलिमेंट लें और उनमें ऑपरेशन लगाएं, जो नया हमें नंबर मिले, जो एलिमेंट मिले, वो भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए। इसकी कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। रियल नंबर की बात करते हैं कि रियल नंबर में हम देख सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन हैं। आप देख सकते हैं कोई से भी दो रियल नंबर लें, उनको जब आप जमा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर्स में ही आएगा। इसी तरह अगर दो आपने रियल नंबर लिए हैं और उनको आपने मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर भी रियल नंबर में ही आएगा। इसका मतलब रियल नंबर्स के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी चीज़। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। कुछ एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए इधर, हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, हम देखेंगे इनमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क होगा तो इस चीज़ का होगा कि हम यहाँ पर प्लस का साइन इस्तेमाल करें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पर हम प्लस के लिहाज से चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। देखिए क्लोजर लॉ क्या कहता है, रियल नंबर को फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, जो उल्टा ए लिखा हुआ है आपके सामने, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। क्या मतलब? जब कोई भी हम दो रियल नंबर्स लें, उनको जमा करें, तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर के अंदर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगी? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई से भी दो रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर्स के अंदर से ही होगा। उसकी मिसाल ले लेते हैं, दो और तीन ले लो बिलफर्स, दो भी एक रियल नंबर है, तीन भी एक रियल नंबर है, जमा करें पाँच आएगा, पाँच भी एक रियल नंबर ही है, और दो और तीन को ज़रब करें छः आएगा, तो छः भी एक रियल नंबर ही है। तो ये हम कहते हैं कि भाई रियल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एडिशन के लिहाज से भी करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी करती है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, कहता कोई से भी हम तीन रियल नंबर्स ले लें, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई से भी तीन रियल नंबर्स ले लें, अगर हम उन तीनों को जमा करना चाहते हैं तो आपको इख्तियार है, आप जो मर्जी पहले दो को जमा कर लें। क्या मतलब?
अगर तीनों को जमा कर दें आप बी और सी को पहले जमा कर लें बाद में ए में जमा कर लें उसको, या ए और बी को पहले जमा कर लें बाद में सी में जमा कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन यही है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई से भी तीन रियल नंबर्स लें उनको मल्टीप्लाई करें, कोई से भी दो पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से बाद में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम रहेगा। अगर आपने बी सी को मल्टीप्लाई करके बाद में ए से किया या ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से किया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, लोग भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ये है क्या। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने लगा हूँ कि उसके बाद आप खुद बार ये चीज भूलेगी नहीं। आइडेंटिटी का सादा अल्फाज में आपको बताने लगा हूँ, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिससे कोई फर्क ना पड़े, बस आइडेंटिटी क्या होती है जिससे कोई फर्क ना पड़े, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी इस लिहाज से जिसको जमा करने से कोई फर्क ना पड़े, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी के बारे में ऐसी बात आपसे करने लगा हूँ जब आप इसको याद रखें, याद क्या रखना है, जब इस चीज़ को आप समझ लेंगे फिर आपके लिए आइडेंटिटी को पहचानना मुश्किल नहीं होगा, आइडेंटिटी को बताना मुश्किल नहीं होगा, आप बड़ी इजीली आप बता सकेंगे भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है। सिंपल बात हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात खत्म। आइडेंटिटी क्या होता है जिससे कोई फर्क ना पड़े, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी ऐसा नंबर जिसको जमा करने से फर्क ना पड़े, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी जिसको सॉल्व करने से कोई फर्क ना पड़े। तो आप बताएं रियल नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर है हमारे पास जीरो। तो जीरो जब एक रियल नंबर है तो हम जीरो में कोई भी नंबर जमा करें तो वही नंबर आ जाता है, उस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, तमाम रियल नंबर्स के लिए देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा सर ई लिखा होता है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी कोई ना कोई एक ऐसा नंबर है वो क्या है, वो जीरो। जीरो बिलोंग करता है रियल नंबर से सच डैट इस तरह के ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, आंसर हमारा ए ही आएगा। राइट साइड से जमा करो लेफ्ट साइड से जमा करो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स, एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर हमारे पास वन। देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू रियल नंबर्स, रियल नंबर से वन बिलोंग करता है इस तरह। अगर ए को हम वन से मल्टीप्लाई करें राइट साइड से या हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर ए ही आएगा, ए में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी के लिहाज से हमने इनवर्स को भी डिफाइन करना है, किस तरह एडिटिव इनवर्स क्या होगा जिसको जमा करें तो आइडेंटिटी बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा जिसको जरब करें तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी वन बन जाए। तो देखें जितने भी हम रियल नंबर्स लेते हैं, कोई भी हम रियल नंबर ले लेते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो उसका जो नेगेटिव है जाहिर है वो भी रियल नंबर्स के अंदर ही है। अगर टू रियल नंबर है तो माइनस टू भी रियल नंबर्स है, तो देयर एग्जिस्ट, देख रहा तो एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स, हर एक रियल नंबर के लिए हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा रियल नंबर्स के अंदर ही कि उसमें जब ए जमा करेंगे तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आएगा। तो बताएं ए में क्या जमा करें तो जीरो आएगा, ए में हम अगर माइनस ए जमा करें तमाम ए रियल नंबर्स के लिए हमें एक और रियल नंबर मिल जाएगा माइनस ए बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में अगर कोई नंबर प्लस में है तो माइनस में भी मौजूद है, टू है तो माइनस टू है, थ्री ओवर फाइव है तो माइनस थ्री ओवर फाइव है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका इनवर्स यानी माइनस वाला वो भी उसमें मौजूद है। इस तरह से
कि जब हम उसमें जमा करते हैं, चाहे वो उसको हम राइट साइड से जमा करें या हम उसको या हम लेफ्ट साइड से जमा करें, आंसर हमारा क्या बनेगा, एडिटिव एडिटिव यानी जीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जब जमा करें तो हमारा आंसर क्या आता है, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी तरीके से जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स डिफाइन किया है, किसी भी नंबर का रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए। कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है तो आंसर हमारा मल्टीप्लाई करने से वन आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं फॉर ऑल ए नॉन जीरो बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये नॉन जीरो क्यों कहा है, आप थोड़ा सोचिए फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्यों कहा है मैंने। देयर एग्जिस्ट वन ओवर ए, जो वन ओवर ए है वो भी उसी में से ये होगा, सच डैट हम इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर वन आएगा। कोई भी रियल नंबर लें उसका रेसिप्रोकल उसी में मौजूद है। अगर टू ओवर थ्री एक रियल नंबर है तो थ्री ओवर टू भी एक रियल नंबर ही है, स्केयर रूट टू एक रियल नंबर है तो वन ओवर स्केयर रूट टू भी एक रियल नंबर ही है। तो लिहाजा हर नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है, ठीक। अच्छा, हमने नॉन जीरो की बात की है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, हमने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसे मल्टीप्लाई करें आंसर वन आ जाए। तो जीरो एक ऐसा नंबर है आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। आंसर वन कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो रियल नंबर में मौजूद नहीं है। इसी को जहन में रखिए कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, कि जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता हम जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ सबसे इजी है, इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए वी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई से भी दो रियल नंबर लें उनको जब जमा करना तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन में बात करें फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए बी बराबर होगा बी ए के, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इजी हैं, बहुत आसान हैं, मैंने आप आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसको देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर है मल्टीप्लीकेशन एडिशन लॉ। ऐसा लॉ, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एडिशन भी इस्तेमाल होगी और मल्टीप्लिकेशन भी यूज होगी, वो सिर्फ वो एक ही लॉ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, कोई से भी तीन रियल नंबर्स लें, उनमें से कोई दो जमा हो रहे हो और बाहर तीसरा मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये ए जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी के साथ भी आ जाएगा और ए सी के साथ भी आ जाएगा, इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही हम कह सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हूं तो सी ए के साथ भी आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी, इसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, कि यहां पर कोई नंबर दो नंबर्स के मजमुए से सम से जमा हो रहा हो तो उनको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके बाद में जमा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिक रियल नंबर्स की, ये हमने देख ली हैं। कुछ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।